स्टार्ट करें। एक केस किया था एडवर्ड्स वर्सेस हेलीवेल, क्या था केस? पक्का कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट है तो ठीक है। चल, एशबरी रेलवे कैरेज क्या था? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंप, तो फिर वो क्या था? एडवर्ड्स वर्सेस हेलीवेल, नहीं कर सकते। ठीक है, फॉस हर बॉटल, ठीक है मैडम, पीछे वाले। हाँ, ये फॉस हर बॉटल में कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस किए थे, बता दे। भारत इंश्योरेंस में क्या था? भारत इंश्योरेंस एंड कन्हैयालाल केस में क्या था? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट केस? कन्हैयालाल ने क्या किया था? फर्स्ट पॉइंट वापस बोल, क्या अल्ट्रावायरस था? अरे सर, डायग्राम भी बनाया था मैंने शायद कोई। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए डायग्राम बनाया था ना, कि सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड के लिए। हाँ, सेकंड और थर्ड के लिए बनाया था, वो डायग्राम था ही नहीं उसमें। लेकिन वो सेकंड वाले में डायग्राम, फर्स्ट में डायग्राम नहीं था। कन्हैयालाल को क्या बुरा लगा था, क्यों उसने केस फाइल किया था? पढ़, जल्दी पढ़। मैडम किधर गए? बाजू वाले मैडम, एक्सेप्शंस का सेकंड पॉइंट बताओ। हाँ, कोई भी चलेगा, ठीक है। रॉन्ग रॉन्ग डूअर्स में क्या बताया था अपन ने? बराबर, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक और पॉइंट, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी केस, नाम था ना केस का? क्या भूमि? भूमि किधर से आ गई? मिनियर। चल ठीक है, लास्ट वाले मैडम, वो क्लास एक्शन सूट अपन ने किया था। क्लास एक्शन सूट के अंदर शेयर होल्डर्स जो ट्रिब्यूनल को बोलते हैं कि रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, ऐसा चार आइटम लिखा था अपन। तो बोल बिंदास, बोल। फ्रॉड, पहली फ्रॉड, तेरा पड़ा बोल, नहीं रे तेरा बोल। मतलब अपन ने क्या बोला था, 10 लाख का इन्वेस्ट लोन दिया, ठीक है, और 2 लाख का सिक्योरिटी लिया, तो 10 लाख के लोन के सामने 2 लाख का सिक्योरिटी लेके क्या उखाड़ा, समझा? तो भारत भाई को बुरा लग गया, भारत को नहीं, कन्हैयालाल को, कन्हैयालाल को बुरा लग गया, बराबर। तो ये भारत वाला गलती कल भी किया था मैंने, याद हो तो वैसे याद रखो ना फिर। चलो मैडम, याद आया कुछ? जैसे चोरी नहीं होता ना,
बताओ क्या? अरे तो परसों वाला है, बोल आज या जल्दी। फिर है रेजोल्यूशन का है, इनवैलिड होना नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं हो। किसके अगेंस्ट में? अरे है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, पॉइंट है ना, मेरे को पता है, 3 नंबर वाला पॉइंट है, वो भी बताता हूँ ले। ठीक है, और एक बाकी है। तीन नंबर वाला पॉइंट बता। रेजोल्यूशन इनवैलिड नहीं होना चाहिए, क्या होता है? होम प्रोडक्शन। अच्छा स्टार्ट करते, चल समझो, एक पार्ट बाकी है इसमें, बराबर। सेक्शन 59 किया नहीं ना अपने, तो 59 बाकी है अपना, बोलना। क्या नहीं समझा तेरे को? क्या? लेकिन मतलब कैसा होता है ना, क्लास एक्शन सूट में तुम जो पॉइंट अपन बोल रहे कि कंपनी ने कुछ काम किया, वो काम नहीं कांड हो गया, ठीक है? अब वो कांड हो गया तो हमने तो क्लास एक्शन सूट फाइल कर दिया, लफड़ा हो गया, ठीक है? तो ऐसे सूट फाइल कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ले पेनल्टी मारा, ऐसा नहीं करने का। कोर्ट क्या बोलता है, ठीक है चल कंपनी से गलती हुआ, कोई बात नहीं, इलीगल किया क्या कुछ? बोला नहीं इलीगल तो नहीं है, तो अप्रूव कर सकते हो तुम लोग, एक बार छोड़ दो, माफ कर दो, समझा? तो अगर अप्रूव कर सकते हो तो बेस्ट है, तो इतना क्लास एक्शन सूट फाइल करने का नहीं, हियरिंग पे आने का नहीं, इतने लोग को तकलीफ, कंपनी को तकलीफ, मगजमारी नहीं। तो इफ द क्लास एक्शन सूट विच इज फाइल्ड इज बिकॉज ऑफ एनी एक्ट, एक्ट मतलब कंपनी ने कुछ किया, और ओमिशन यानी कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया, तो ऐसे केस में इफ इट इज बिकॉज ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन जो कंपनी ने किया या फिर करने वाला है, समझा? ऑलरेडी अकर्ड और येट टू अकर। अगर ऑलरेडी अकर्ड है तो माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है मतलब रेटिफाई कर सकता है क्या? कर सकता है तो बेस्ट है, कर ले, टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर हुआ नहीं अभी तक, लेकिन अगर आगे होने वाला है, अच्छा अगर आगे होने वाला है तो हुआ नहीं ना अभी तक, तो पहले ही जनरल मीटिंग बुला के ऑथोराइज करवा लेना शेयर होल्डर्स से। एक बार शेयर होल्डर्स खुद ही ऑथोराइज कर देंगे फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और अगर ऑथोराइज करने से पहले ही कंपनी ने वो एक्ट कर दिया तो वे रेटिफाई कर सकता है, समझा? तो रेटिफाई कर ले। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता तो ठीक है, क्लास एक्शन सूट फॉरवर्ड करते अपन। वैसा क्या हो गया? नहीं सुनाई दिया? हाँ हाँ नो कॉम्पेंसेशन। अरे वो कॉन्सिक्वेंसिस खुल, क्या लिखा है? कॉन्सिक्वेंसिस फॉर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बरोबर। स्पेसिफिक ऑर्डर, अब स्पेसिफिक ऑर्डर्स में जाओ, स्पेसिफिक ऑर्डर में जाओ बेटा, स्पेसिफिक ऑर्डर। सफर रखो, सफर रखो, बरोबर। सफर रखो का आर देख मेरा, रिमूव कर दिया, रिमूव करेगा तो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मांगेगा ना, अगर उसको निकालोगे तो वो कॉम्पेंसेशन मांगेगा ना। तो इधर क्या बोला, नहीं देंगे अपन, क्योंकि तूने फ्रॉड किया इसलिए तुझे निकाला ना। ये तो अलग हो गया। अरे वो तो बोल रहे तुमको रीअपॉइंट, ये वाला बोल रहा है कि तेरे को निकाल दिया ना, कॉम्पेंसेशन तो नहीं दिया और 5 साल तक वापिस आना भी मत, डिस्क्वालिफाइड है। हाँ तो वही हुआ, मैं डायरेक्टर, मेरा कंपनी के साथ अग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ, मतलब मेरे को निकाल दिया। मतलब सेक्शन पता है मेरे को किसमें? अरे वो एक ही है, अरे पूरा सेक्शन ही एक है। वो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? गलत करेगा तभी कॉन्सिक्वेंसेस होगा ना, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्यों आएगा?
ऐसा किधर लिखा है? अग्रीमेंट रॉन्ग हुआ ऐसा किधर लिखा है? एवरी मैनेजर डायरेक्टर हुज अग्रीमेंट वॉज टर्मिनेटेड, मतलब मैं तुम डायरेक्टर मैं कंपनी, अपने बीच में अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। क्यों टर्मिनेट किया? कुछ किया रहेगा ना, तो वही लिखा है उसमें। हाँ बोल। हम नहीं करते, ट्रिब्यूनल करता है। हाँ, ये अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल चाहिए, बट ना तो कंडीशन। किसको कंफ्यूजन है? बाद में क्यों? तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ही क्या? वो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाई हो गया मतलब। हाँ, लॉजिक क्या बोलता है? अरे 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड, उसके बाद भी कभी भी अपॉइंट होना तो ट्रिब्यूनल को पूछ के अपॉइंट हो, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम का ही बोल दो ना। समझा? 5 साल के बाद तो तू उड़ता पंछी है, तू आ अपॉइंट हो अगर दम है तो, हमको करना है तो वैसा। 5 साल के अंदर अपॉइंट होना है, वापस डिस्क्वालिफिकेशन वाले पीरियड में तो पंगा है, तो अप्रूवल अप्रूवल सब मगजमारी करने का वैसा। ये कल भी समझाया था मैंने, कल भी किसी ने पूछा था। हाँ, मतलब क्या होता है ना, जैसे डायरेक्टर तो अपना है, अपने तो अपने होते हैं बरोबर, लेकिन वो तो थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी के साथ कंपनी ने कोई अग्रीमेंट किया जो कंपनी को नहीं करना चाहिए था, ठीक है? अब कंपनी को करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था? थर्ड पार्टी बोलता है मेरे को क्या लेना देना, मेरे साथ अग्रीमेंट किया तो मेरे को तो पैसा चाहिए। समझा? तो अब यहां पर नो कॉम्पेंसेशन तो हमने डायरेक्टर में भी बोला और इसको भी बोला। डायरेक्टर में तो बोल ही दिया कि नो कॉम्पेंसेशन, क्योंकि तू तो कंपनी का ही पार्ट है, तो तुझे तो पता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी तूने किया, तेरे को तो कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड पार्टी बेचारा बोलता है कि मेरे को तो क्या मालूम कंपनी का क्या हालत है, करना चाहिए उनको नहीं करना है, मैंने अपना कंडीशन रखा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो अब यहां पर क्या बोला कि तेरे को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, बट हम तुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देंगे, यानी एक शो कॉज नोटिस देंगे कि तू बता कि हम तुझे क्यों कॉम्पेंसेशन अलाउ करें। अगर तू ये प्रूव कर पाया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो हमने पहले ही बोल के रखा है। और कोई 56, 57, 58, 59 पढ़ा? 59 तो छोड़, 56, 57, 58 सिंपल सिंपल है, उसमें कोई डाउट? पक्का? चलो फिर आगे बढ़े, 59 पे आते हैं। 59 देख, 59 भी एकदम पपलू सा सेक्शन है। ये देख 59 जो है ना, वो भी एकदम पपलू सा सेक्शन है, ध्यान दे। 59 क्या बोलता है? कंपनी है तो मेंबर होंगे, बराबर। कंपनी के पास अगर मेंबर्स है तो मेंबर्स का कोई रजिस्टर होगा, इसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, बराबर। तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा, तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम ऐड होते होंगे, नाम डिलीट होते होंगे, बराबर। 59 क्या बोलता है? बिना पूछे किसी का नाम ऐड करने का नहीं, बिना पूछे किसी का नाम डिलीट करने का नहीं। खत्म हो गया सेक्शन। इंग्लिश में सुन, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर, समझा? रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंटेन बाय द कंपनी। जैसे सीन क्या होता है, मेरे को अभी मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपीज, ब्रैकेट में रिलायंस शेयर्स, क्रेडिटेड बोला, ठीक है? मतलब पैसा को मिला, मतलब रिलायंस का शेयर बिक गया, बराबर। मैं सोच रहा हूं मैं तो क्लास ले रहा हूं, बेचा किसने मेरे को नहीं पता, पैसा आया, चल पैसा आया ठीक है, लेकिन शेयर्स किसने बेचा? मैंने रिलायंस में फोन किया, बोला मैं हर्ष का चलिया। बोले कौन? बोले यार शेयर होल्डर हूं तुम्हारा। तो बोले अच्छा एक मिनट चेक करने दो। चेक किया, रजिस्टर में मेरा नाम ही नहीं है, कैसे रहेगा? शेयर तो बिक गए, समझ में आया? शेयर तो बिक गया तो मेरा तो नाम ही नहीं रहेगा रजिस्टर के अंदर, मेरा नाम डिलीट कर दिया। कैसे? बोले कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ गया था,
तो किसी के कम करने थे तो हमने प्रोपोर्शनेटली सबके थोड़े थोड़े कम कर दिए, तो सबके थोड़े थोड़े कम कर दिए, बाय बैक होता है ना, बाय बैक कंपल्सरी बाय बैक वैसा, सबके थोड़े थोड़े कम कर दिए, तो सबका जो प्रोपोर्शन था उसमें आपका तो पूरा ही आ गया, तो पूरा कम कर दिया। मतलब ऐसा कैसा कम कर दिया, मेरे को पूछा, कौन बोला कम करने को, समझा? या फिर वापिस मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 10,000 रिलायंस शेयर्स। मतलब कौन क्या कर क्या रहे हो भाई, बोले परचेस कर लिए शेयर। बोले किसको पूछ के, बोले था हमारे पास एम्प्टी स्लॉट, तो पिछली बार आपका बेच दिया था ना, तो आप मेरा बुरा लग गया था आपको, तो हमने परचेस, मतलब नहीं करने का मेरे को परचेस, मेरे को पूछो तो सही है कि नहीं। तो मतलब सीन कैसा होता, कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसमें तुम्हारा नाम ऐड किया जाता है या डिलीट किया जाता है, कुछ भी हो, ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है, ओमिट किया जाता है, ओमिट यानी शेयर्स परचेस किया फिर भी नाम ऐड नहीं किया, ठीक है, नाम ऐड करने से ओमिट हो गया, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो गलत है। तो सिंपल सा प्रोविजन क्या बोलता है, उस रजिस्टर को रेक्टिफाई करने का, रेक्टिफाई करके ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, ऑल्टर करना है, ओमिट करना है, जो भी करना है वो कर देना चाहिए, अपडेट होना, अपडेटेड होना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर कंपनी ही बोलता है नहीं ऐसे थोड़ी होता है, अभी हम तो एक ही टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे रजिस्टर खोलते हैं, अपडेट करते हैं, अभी ऐसा हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ी होता है इसमें यार, मेरा पैसा डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, मेरे को पूछे बिना, मैं तो कोर्ट में घसीट के लेके जाएगा। बोले ठीक है, मैं बोला ठीक है, केस फाइल किया ट्रिब्यूनल, इस कंपनी ने अपने रजिस्टर में से मेरा नाम जानबूझ के काट दिया या जानबूझ के ऐड कर दिया या गलती से काट दिया या गलती से ऐड कर दिया, जो भी किया मेरे को पूछे बिना किया, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल प्लीज हेल्प मी, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को बुलाएगा, उसको पूछेगा क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को बुलाएगा, मेरे को पूछेगा, दोनों का सुन समझने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। क्या ऑर्डर हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, एक मेरे को बोलेगा बाकी इधर से कुछ भी केस फाइल करता है डिसमिस, दूसरा कंपनी को बोलेगा गलत बात, रेक्टिफाई करने का रजिस्टर, नाम ऐड कर देने का या डिलीट कर देने का या जो भी है, बरोबर। कितने टाइम के अंदर, 10 डेज के अंदर, समझ में। कल इसमें तुमको याद क्या रखने का है, याद इतना ही रखने का है, अगर ये जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं ये अगर लिस्टेड कंपनी हुआ, ठीक है, तो ये जो नाम ऐड करना, डिलीट करना, रजिस्टर को रेक्टिफाई करना प्रोविजन है ना, वो सेबी और सेकरा एक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर ये लिस्टेड कंपनी नहीं है तो सेबी सेकरा को तो वैसे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा, समझा। तो ट्रिब्यूनल ने अगर ऐसा तुमको करने को बोला तो तुमने सेबी सेकरा या कंपनीज एक्ट जो भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से कर दिया तो शाबाश, अगर नहीं किया तो पेनल्टी। सिंपल, क्लियर हुआ, ये तुम्हारा 59, कोई डाउट? देखो सेक्शन 59, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, if the name of a person, if the name of a person, red pen, is entered normal pen in the register, is entered in the register of members, in the register of members without a sufficient cause, without a sufficient cause, red pen, or the name is omitted, or the name is omitted, red pen say, or the name is omitted, normal pen,
omitted normal pen se without sufficient cause from the register or if any default is made then the aggrieved person can appeal for the rectification of the register to the tribunal full stop. Next point. The tribunal may either dismiss ko kuch kar dena, dismiss the appeal or direct that the transfer or transmission shall be registered by the company within a period of 10 days highlight kar dena 10 days ko within a period of 10 days from the date of receipt of order or direct rectification of the records of the depository of the records of the company's register and also require the company to pay the damages sustained by the company to pay the damages sustained by the aggrieved party. ठीक है अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिख जल्दी where the transfer of securities third point is in contravention of any provision where the transfer of securities is in contravention of any provision of SECRA contravention of any provision of SECRA
1956 ग्राफ पता है क्या? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और सेबी एक्ट और सेबी एक्ट 19 कौन सा था सेबी 92 और सेबी एक्ट 1992 एटसेट्रा कॉमा द होल्डर होल्डर मतलब देन द कॉमा करके द डिपॉजिटरी कि सेबी सेक्रा में डिपॉजिटरीज होता है ना द डिपॉजिटरी कॉमा कंपनी कॉमा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिपॉजिटरी कॉमा कंपनी कॉमा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कॉमा द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज और The tribunal or the tribunal may direct to rectify the contravention to rectify the contravention and accordingly rectify the register or records concerned full stop fourth point penalty for contravention two parts may divide records concerned fourth point penalty for contravention two parts may divide left may company right may officer in default पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन दो पार्ट्स में डिवाइड लेफ्ट में कंपनी राइट में ओआईडी कंपनी के नीचे कंपनी का कितना होता है फाइन 1 लाख टू 5 लाख तूने क्या बोला 5 लाख टू इतना थोड़ी दे खाली नाम नहीं लिखा तो क्या 25 लाख का फाइन मारेगी दिमाग खराब हो गया लूट जाएगा बेचारा कंपनी 1 लाख टू 5 लाख ऑफिसर इन डिफॉल्ट के नीचे 25,000 टू नहीं 1 लाख टू 3 लाख 1 लाख टू 3 लाख और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स 3 इयर्स नहीं रे 1 ईयर और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ हो गया आप बोलो अभी तेरे को क्या हो गया सिमरन होल्डर कंपनी में जाएगा बोलेगा ए तूने मेरा नाम काट दिया क्यों काटा मैंने नहीं बोला कंपनी बोलेगा ओ सॉरी वापस डाल देता हूं हो गया सब कुछ डिफिकल्ट तो ऐसे जरूरी थोड़ी है कभी कभी लाइफ इजी भी होता है क्या चीज It does not go for ratification, rectification. हाँ तो मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है फिर क्या टेंशन पहली बार ऐसा होएगा नहीं ऐसे 125 करोड़ लोग है दुनिया में इंडिया में ऐसे गलती से तेरा नाम कैसे आएगा प्रूफ क्या है तेरा आधार कार्ड है उनके पास फिर तेरा आसबा अकाउंट लिंक्ड है उनके साथ फिर दिस इज नॉट पॉसिबल बट लॉ में कवर तो सब करना पड़ता है ना वैसा चलो भाई हो गया अब सुनो यहीं पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है लेकिन इसमें ना एक आंसर छोटा सा बाकी है एक पेनल्टी है वो बाकी है तो वो है ना मैं तुमको कल लिखवाऊंगा ठीक है तो उसके लिए मेरे को है ना वो पेनल्टी लिखने के लिए 5-6 लाइन जितना जगह चाहिए तो अगर तुम्हारे पेज पे उतना जगह है तो 5-6 लाइन जितना जगह छोड़ दो और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दो नया चैप्टर और अगर जस्ट एकदम पेज खत्म होने आया तो फिर नेक्स्ट पेज छोड़ दो ठीक है और उसके बाद वाले पेज से स्टार्ट करना एक पेनल्टी लिखवाना है वो पेनल्टी एक्चुअली कंपनी लॉ के अलग सेक्शन का है ठीक है वो मैंने इस एक्ट में से निकाला था
बट मैंने अपने नोट्स में डाला भी था बट नोट्स दादर में पड़ा है वो वाला, तो कल लेके आऊंगा तो लिखवा दूंगा तुमको, ठीक है? तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, ठीक है? सिंपल सा चैप्टर था ये। इस चैप्टर में याद क्या रखना है मैं तुमको बता दूं, 241 टू 245, विच इज नथिंग बट एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट वर्सेज हर बॉटल। तो याद क्या रखना है, फर्स्ट वर्सेज हर बॉटल, फर्स्ट वर्सेज हर बॉटल को याद रखा तो उसके एक्सेप्शन में चार पॉइंट याद रखो, ठीक है? जस्टिफिकेशन में दो तीन पॉइंट याद रखो, दो से तीन पॉइंट जो तुमको जस्टिफाई करके समझाएगा, दो पॉइंट ही होगा। इंपॉर्टेंस होगा उसका, इंपॉर्टेंस में तीन पॉइंट कम से कम याद रखने का, एंड मतलब दो तीन चार, इंपॉर्टेंस में तीन, जस्टिफिकेशन में दो, एक्सेप्शन में चार पॉइंट, इतना कम से कम याद रखने का। सारे केसेस जो अपन ने डिस्कस किए उनका क्रक्स अपन ने क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो क्रक्स बराबर से केस के नाम के साथ याद हो जाना चाहिए। चलो अगला चैप्टर करते हैं, सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या पता है, फ्रॉड, फ्रॉड कंपनीज एक्ट, सुना? फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट ऐसा चैप्टर का नाम है, फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट एंड दूसरा एक एक्ट आईपीसी। ये आईपीसी एक्ट है, कोड है, कोड कोड बड़ा होता है कि एक्ट बड़ा होता है? कोड बड़ा होता है, एक्ट कैसे बड़ा होता है? एक्ट को कवर कोड करता है, जो एक्ट में से छूट जाता है वो कोड में कवर होएगा, समझे? अगर कभी एक्ट या कोड कॉन्ट्रावीन करेगा तो कोड विल प्रिवेल, समझ में आया? नहीं तो अगर एक्ट या कोड में अगर एक्ट बड़ा होता तो आईबीसी क्यों लाते? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी कोड लाते ही क्यों? सेंस ही नहीं बनता ना, समझे? वैसा समझो, है स्टडी मटेरियल है, निकालो ना। निकाला, फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड, ठीक है? समझ, इसमें करना क्या है आपको, इधर देख, इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, एक तो है फ्रॉड, ठीक है? तो अगर फ्रॉड हुआ सबसे पहले अपने को करने का है इसका मीनिंग, फ्रॉड, ठीक है? फ्रॉड का मतलब क्या होता है, मतलब समझ में आया एक बार तो? इसी फ्रॉड को दो कॉन्टेक्स्ट में देखने का, एक कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में और एक आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में, समझे? कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉड को देखने का, फ्रॉड को कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में देखने का मतलब सेक्शन 447 एंड 448 फ्रॉड, दोनों फ्रॉड के, बराबर? तो ये हो गया 447, 448 का पार्ट तुम्हारा। फिर कंपनी लॉ में क्या लिखा है पता है? कंपनी लॉ में लिखा है कि जिधर जिधर तुमको फ्रॉड दिखेगा, कंपनी ने जिधर जिधर फ्रॉड किया ऐसा तुमको दिखा तो 447, 448 ही लगाने का, ठीक है? तो फिर अपने को मालूम होना चाहिए ना, कंपनीज एक्ट में टोटल, कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, उसमें किधर किधर फ्रॉड आता है, बराबर? क्योंकि जिधर जिधर फ्रॉड आएगा उधर उधर 447, 448, जिधर जिधर फ्रॉड मतलब कंपनी का फ्रॉड है, तुमने फ्रॉड किया एज एन इंडिविजुअल वो उसमें कवर नहीं होता है, ठीक है? ये कंपनी लॉ है, तो कंपनी का जिधर जिधर फ्रॉड आता है उधर उधर 447 लगेगा, बराबर? तो 447, 448 वहां पे लगते जाएगा, ठीक है? तो अपने को उसका पहले तो लिस्ट बनाना पड़ेगा एक, कि कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें 447 लगेगा बेसिकली, ठीक है? उसके बाद एक महा इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे लिए होगा, 447 का पेनल्टी क्या है, समझा? तो 447 का पेनल्टी जबरदस्त पेनल्टी है एकदम, क्या जबरदस्त बनाया एकदम, मतलब बहुत दिमाग लगा के बनाया, बहुत दिमाग लगा के बनाया। पहले तो इतना वहियात पेनल्टी था, फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया 2013 वाले एक्ट के हिसाब से 2015 वाले अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है? उसमें अमेंड करके पेनल्टी चेंज किया, फिर 2017 में वापस चेंज किया। 17 में जो चेंज किया वो सबसे मेजर चेंज था, क्योंकि पहले उन्होंने क्या बोला था ना, अगर फ्रॉड हुआ तो
तो 6 महीना इम्प्रिजनमेंट मिनिमम, 10 साल इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम, ठीक है। और फाइन तुम्हारा मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रॉड जितना हुआ या 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड जितना पेनल्टी रहेगा, बराबर। सुन, तो इतना पहले पेनल्टी उन्होंने दिया था और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तो मिनिमम 3 साल हो जाएगा, इतना उन्होंने बोला था पहले। फिर समझ में आया कि यार बंदे ने फ्रॉड किया है, ये पंचायत यहां जन थोड़ी यार। तो फिर उसको समझ में आया कि यार बंदे ने फ्रॉड जो किया है, अब फ्रॉड किया है 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का फ्रॉड के लिए 10 लाख का पेनल्टी, 6 महीना जेल में मिनिमम, समझ रहे है? कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि जो नेचर ऑफ द फ्रॉड है वो तो इतना भयंकर है ही नहीं, समझा। तो उन्होंने क्या किया ना, फ्रॉड को बाइफर्केट कर दिया, छोटा वाला फ्रॉड, बड़े वाला फ्रॉड, माइनर फ्रॉड, मेजर फ्रॉड, समझा। मतलब एक हो गया 1% ऑफ उसका टर्नओवर या 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख और मोर, विच एवर इज लेस, समझा, विच एवर इज लेस। ये सपोज आया तुम्हारा 11 लाख, 11 लाख या 10 लाख, विच एवर इज लेस, अपन 10 लाख पकड़ के चलते, ठीक है। अच्छा 10 लाख आया तुम्हारा अमाउंट, फ्रॉड का अमाउंट कितना है, फ्रॉड का अमाउंट कितना था, 11 लाख, समझ में, फ्रॉड का अमाउंट इज 11 लाख, 10 लाख मेरा बेंचमार्क है, गेटिंग द पॉइंट। फ्रॉड का अमाउंट मेरा 1% टर्नओवर का अमाउंट सेम है, अलग लेना है, कंफ्यूज हो रहा है, तो ले 12 लाख फ्रॉड का अमाउंट, 12 लाख, ये विच एवर इज लेस आया 10 लाख, ये ज्यादा है, मेजर फ्रॉड, समझा। अगर ये 12 के बदले 8 लाख है तो माइनर फ्रॉड, लेकिन 8 लाख में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मेजर फ्रॉड, माइनर में खाली विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट वाले लेने का, मेजर वाला विद पब्लिक इंटरेस्ट वाला नहीं लेने का, समझ में आया, पक्का क्लियर है। पेनल्टी करेंगे अपन तब डिटेल में समझेगा, इतना समझा। तो सीन क्या होता है, ये 447 जो है वो फ्रॉड के नाम पे सबसे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये एक बार हो गया, फिर अपने को देखना है कि कंपनी में कौन से लेवल पे कहां कहां कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते अपन, किंगफिशर फ्रॉड का किसके साथ, फ्रॉड किसके साथ था, बैंक्स के साथ फ्रॉड था, पब्लिक के साथ फ्रॉड था, मतलब इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड था, कस्टमर्स के साथ फ्रॉड था, है कि नहीं। तो चल, किंगफिशर का फ्रॉड अपने इन्वेस्टर्स के साथ था या बैंक्स के साथ था, अपन बोलते हैं स्पीक एशिया, सुना है स्पीक एशिया का फ्रॉड, स्पीक एशिया नहीं सुना तुमने, वो एक आया था पता, भारत मोबाइल 501 रुपए में मोबाइल, 250 में मोबाइल, जो भी है 251 का मोबाइल, है कि नहीं, भरा भी होगा अपन, मिला तो मिला, नहीं तो 250 ही जाएगा ना, ऐसा सोच के भरा भी था अपन ने, है कि नहीं, मिला किसी को, भाग गए वो लोग, पैसा ले, इतने करोड़ों लोग ने 250 रुपया भरा, सुन के अरे 250 रुपया मोबाइल, 250 रुपया मोबाइल, नाम भी ऐसा रखा था भारत मोबाइल, मतलब गवर्नमेंट दे रहा जैसे, है कि नहीं, सब ने पैसा भरा, वो लोग लेके भाग गए, समझा। इंडिविजुअली पर्सन को फर्क पड़े नहीं पड़े, तुमको तो क्या 250 रुपया ही गया, लेकिन 250 × 1 करोड़ 1 करोड़ लोग मल्टीप्लाई कर, बापरे कितना पैसा है, समझ में आ रहा है। ये था फ्रॉड ऑन कस्टमर, गेटिंग द पॉइंट, फ्रॉड ऑन कस्टमर। ऐसा ही था एक स्पीक एशिया वाला सिमिलर, वो भी फ्रॉड ऑन कस्टमर, वो कैसा था कि एक का डबल, तुम आज मुझे 1 रुपया दो तो मैं तुमको 10,000 रुपया करके दूंगा 6 महीने के अंदर, समझे। तो जैसे तुम मेरे साथ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, मेरे पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो तो मैं हर महीने तुमको 2-2, 3-3 हजार रुपए हर महीने रिटर्न्स दूंगा, ठीक है, फॉर 1 साल। अब आदमी क्या सोचता है, 10,000 आज दूं और 1 साल तक अगर मेरे को 3-3 हजार मिलेगा तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 3 महीने में रिकवर हो जाएगा, फिर 9 महीना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बराबर। पहला 5 महीना देता है फिर लेके भाग गया, पब्लिक सुन के पैसा देगा ना, 10,000 देने का और फिर रिटर्न्स मिलेगा, जबरदस्त रिटर्न्स मिलेगा, 3 महीने में तो इन्वेस्टमेंट रिकवर, फिर तो अपने को पैसा ही पैसा। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से इतना फेमस हो गया स्कीम कि सब लोग ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया,
तो उन लोग के पास इतने करोड़ों 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 के इन्वेस्टमेंट्स आए, वो लेके भाग गए, कड़ी ना माइंड, इंडिया छोड़ के चले जाने का, कितना इजी है उन लोग के लिए। तो ललित मोदी देख, नीरव मोदी देख, विजय माल्या देख, ये जितने भी है सारे फ्रॉड थे ना। केतन मेहता शेयर बाजार फ्रॉड, हर्षद मेहता वो अलग था, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड था, आएगा अपने पास, क्या केस उसका भी है। फिर सुन 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 सुन, तो यहां पर कैसे होता ना, अपन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉड ना, इतने सारे फ्रॉड्स है अपने पास जस्ट बिटवीन मेजरली बिटवीन द ईयर 2011 टू 2015। उधर ही तो कांग्रेस गिरा, उधर ही तो ग्रिप मिला बीजेपी को, क्योंकि वो 5 साल के अंदर जितना फ्रॉड हुआ है ना उतना शायद कभी नहीं हुआ रहेगा, इतना सारा फ्रॉड जो है इंडिया में, ठीक है। और अपने इधर फ्रॉड मतलब 1000 करोड़, उसके नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 9000 करोड़, उसके नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है, वैसा समझ में आया। तो अपने को फिर वो देखना है कि ये जो फ्रॉड जो रहे ये कंपनी में कौन कर सकता है, प्रमोटर कर सकता है कि इन्वेस्टर कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मतलब जो ऑलरेडी किसी ने किए होंगे, वैसे केस लॉस उससे रेलेवेंट जो भी होंगे वो अपने को देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड का तो छोटा सा पार्ट है कि इंडियन पिनल कोड के हिसाब से क्या पनिशमेंट होगा उसका, बाकी कुछ नहीं करना उसको, बिकॉज इट इज मेनली कनेक्टेड टू कंपनी लॉ, सो कंपनी में क्या होता है और कंपनी लॉ क्या बोलता है वो इधर बेसिक तुमको समझ लेंगे, ठीक है। बाकी इंडियन पिनल कोड तो गेस्ट अपियरेंस है इसके अंदर, कि वो आके बता देगा कि हाँ फ्रॉड भी हुआ तो मैं भी हूं, मैं भी पेनल्टी मार सकता है, वैसा, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड भी पेनल्टी मारेगा, कंपनी लॉ भी पेनल्टी मारेगा, फिर वो क्या पढ़ाएगा तुमने, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, है कि नहीं। तो इसमें कंपोजिशन होगा फिर ऑफेंस का, कंपाउंडिंग तो दो में से एक होता है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, आएगा वो भी, आएगा वो भी है चैप्टर में, फेमा में पढ़ा था तुमने शायद, याद हो तो, कंपाउंडिंग सेबी में भी पढ़ा होगा कंपाउंडिंग, है ना। ये कंपोजिशन हो, कंपोजिशन कैसा होता है, एक ही पाप के लिए 2-3-4 एक्ट में अगर पेनल्टी लगता है तो क्या 4 बार पेनल्टी थोड़ी भरेगा, समझा, तो 4 बार पेनल्टी थोड़ी भरेगा, तो 4 में से भरना तो एक ही है ना, तो 4 में से कौन से वाले पेनल्टी को भरना है, एक में बोला 2 लाख, एक में बोला 3 लाख, एक में बोला 4 लाख, एक में बोला 1.5 लाख, तो मैं कितना भरू, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द केस, अब मैंने तो, मेरा तो फ्रॉड ही था 50,000 का, तो क्या सबसे ज्यादा 4 लाख का पेनल्टी भरेगा मेरे पास, लॉजिक नहीं बनता ना, ठीक है। तो वो मिनिमम, मैक्सिमम लिमिट्स होता है, मैक्सिमम 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम उससे कम हो सकता है ना पेनल्टी, तो फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द पर्सन और द नेचर बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, फैक्ट्स ऑफ द केस, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरीफाई होएगा, इन्वेस्टिगेशन होएगा, फिर एक रिपोर्ट तैयार होएगा और उसके बेसिस पे नक्की होएगा। ये 2011 और 15 के बीच में जो मैंने बोला ना सबसे ज्यादा फ्रॉड्स जो हुए, उसकी वजह से एक अच्छा काम क्या हुआ पता है, एक अच्छा काम ये हुआ कि एक अलग अथॉरिटी बनाया गया, एक अलग अथॉरिटी बनाया गया जिसका नाम था SFIO, सुना है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओनली फॉर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक अलग अथॉरिटी बनाया गया, समझे। इस अथॉरिटी का काम ही है कि जैसे कोई फ्रॉड, पहले तो टू डिटेक्ट प्रिवेंट द फ्रॉड्स, बराबर, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन, पीडीसी पढ़ाएगा, तो पहले तो प्रिवेंट करने का, डिटेक्ट करने का, करेक्ट करने का, रेक्टिफाई करने का, पकड़ लेने का पहले ही फ्रॉड, ये उनका काम रहेगा। लेकिन अगर मिल भी गया, हो भी गया फ्रॉड, तो उस फ्रॉड को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके विक्टिम को पकड़ने का, उसको पनिश करने का, वो पार्ट भी इनके हाथ में आता है, समझ में। जैसे विजय माल्या, अब उसका उधर से तो तड़ी पार का ऑर्डर आ गया उधर, लेकिन अभी तक इंडिया नहीं आया, उसने हायर कोर्ट में अपील किया हुआ है उधर के कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन साइन किया ना कि जाओ भाई इंडिया नहीं चाहिए हमको, तो ये भाई साहब ने उधर के हायर कोर्ट में, उधर के लोअर कोर्ट के सामने अपील फाइल किया है, समझे। तो वो हायर कोर्ट भी बोलेगा कि नहीं भाई तू बराबर है, इंडिया छोड़, इंडिया जाना ही पड़ेगा तेरे को, इधर तेरा कोई काम नहीं,
तो वो भी एक्सट्रेडिशन जब बोल देगा कि तू जा भाई इधर से स्टडी पर, तो वो और हायर कोर्ट में जाएगा, फिर ऐसा ऊपर ऊपर जाते जाएगा, फिर अल्टीमेटली बूढ़ा होकर मर जाएगा, फिर इंडिया कभी नहीं आएगा, समझा वैसा। बट एनीवेज प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है, यू नेवर नो, मोदी कभी कुछ कर रहा है तो पब्लिक में कॉल इट अ पॉलिटिकल स्टंट ऑल्सो, के इलेक्शन जीतने के लिए उसने कॉन्टैक्ट लगा के उसको इधर बुलाया, जो भी किया बुलाया ना, आया ना, तुमको क्या करने के, काई के लिए किया, तुम्हारा फायदा हुआ ना, समझा। तो वट एवर मे बी, अगर मोदी कुछ कर जाए तो पता नहीं, बट लेट्स होप। प्रॉब्लम अपने एक्ट का नहीं है रे, प्रॉब्लम उधर का है, उधर का लॉ अलाउ नहीं करेगा तो वो लोग कुछ नहीं कर सकता ना। इंडिया में आएगा फिर हम बोलेगा वो तू करेगा, पहले आ तो सही। इसलिए तो आईबीसी भी लेके आया किंगफिशर के लिए, आईबीसी क्यों आया, किंगफिशर के लिए आया, विजय माल्या के लिए तो पूरा आईबीसी बनाया, पैसा रिकवर कैसे करने का, बैंक्स वैंक सब तड़प तड़प के रो रहे थे, चाहे इतना 1000 करोड़ हमारा अटका पड़ा है पैसा, समझा, तो इसलिए आईबीसी बनाया। बट वो आएगा वो कुछ काम होएगा ना, इधर बैठे बैठे तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसका जो एसेट्स पड़ा है वो सीज करोगे, बेच दोगे, ऑक्शन करोगे, तो वही तो ज्यादा से ज्यादा वही करोगे तुम, उसमें भी अगर उतना एसेट्स हुआ तो तुम वो सब बेच करके पैसा रिकवर करोगे, अगर हुआ ही नहीं तो तुम और क्या करोगे जब तक वो बंदा ही वापस नहीं आता, तो यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच, और तो कुछ नहीं, समझा, क्लियर हुआ क्या, ठीक है चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड धोखा, कभी दिया होगा या खाया होगा, मतलब दुकान वुकान में लेने गए किसी ने चीटिंग कर दिया, ऐसा किधर दिमाग जाता है तुम लोग का, अलग ही डायरेक्शन में भागते हो, बोलो किसको किसको, अरे धोखा फ्रॉड एज एन इंटेंशन ऑफ वन पर्सन टू डिसीव अनदर पर्सन, ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन को फ्रॉड नहीं बोलेंगे ना, बट हाँ इट इज व्हाट यू से, इट इज कनेक्टेड टू फ्रॉड, यस, बिकॉज आई एम अब्यूजिंग अ डोमिनेंट पोजिशन, यस इट इज कनेक्टेड टू फ्रॉड, कंसीलिंग फैक्ट्स तो डेफिनेटली 100% दैट इज फ्रॉड ओनली, फ्रॉड और मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन में फर्क होता है, फ्रॉड और नेग्लिजेंस में फर्क होता है, यस, फ्रॉड मतलब गलती से के जानबूझ के, और नेग्लिजेंस मतलब गलती से के जानबूझ के गलती से मिस्टेक मतलब नेग्लिजेंस, जानबूझ के मिस्टेक मतलब फ्रॉड। ठीक है, और बोलो और क्या जानते हो फ्रॉड के बारे में, कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बोलो, कोई केस याद आ रहा हो तो केस बोलो, जो तुमको आता है वो बोलो, तो वही तो पूछ रहा हूं, बोलो, सत्यम स्कैम इज अ फ्रॉड, यस, कौन सा फ्रॉड था रे वो, सारा फ्रॉड, विंडो ड्रेसिंग का फ्रॉड था सत्यम वाला, सारा कौन सा था, इनसाइडर ट्रेडिंग फ्रॉड ही है ना वो भी, स्कैम मतलब फ्रॉड, स्कैम और क्या होता है, स्कैम है मतलब फ्रॉड है, ठीक है, कोई गलती से स्कैम नहीं करता ना नेचुरली। तो प्रोविजन क्या बोलता है ना, एक कमिटी था जे ईरानी, ठीक है, जबरदस्त कमिटी था, ये जो इतना फ्रॉड का पूरा चैप्टर पढ़ रहे ना अपन, फ्रॉड के नाम पे अलग चैप्टर पूरा, कंपनी लॉ में इतने सारे सेक्शंस को 447 डाल दिया कि ऐसा किया तो भी फ्रॉड, वैसा किया तो भी फ्रॉड, ये सबको फ्रॉड ही मानेंगे अपन, तो और सब में तुमको फ्रॉड मतलब 447 वाला पेनल्टी, और 447 का पेनल्टी मतलब भयंकर पेनल्टी, वैसा। तो जे ईरानी क्या बोलता है कि फ्रॉड किया ना तो इसका पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए ना, मतलब द पनिशमेंट शुड बी डेटरेंट, इंग्लिश में बोला कैसा होना चाहिए, डेटरेंट, डेटरेंट क्या होता है, डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब होता है मतलब
पूरी कंपनी को तोड़ के रख देना, उसको डेटरेंट बोलते हैं, टिट फॉर टैट वाला, समझा? मतलब तूने एक बार फ्रॉड किया अब तो तू कहीं का नहीं रहना चाहिए, वैसा उसको बोलते हैं डेटरेंट पनिशमेंट होना चाहिए, समझे? ऐसा किसने बोला? जेजे अंकल ने, ईरानी वाले, ठीक है? तो ये जेजे ईरानी वॉज अ पर्सन हु वॉज हेडिंग द कमिटी, इसलिए उसको जेजे ईरानी कमिटी बोलते हैं, वैसा। तो ये जेजे ईरानी कमिटी में जो ये फ्रॉड का पर्टिकुलर एसएफआईओ का आना, कंपनीज एक्ट को पूरा रीडिफाइन करना, अमेंडमेंट्स लाना, फ्रॉड को इतना इंपॉर्टेंस देना, सब जेजे ईरानी ने करवाया, मतलब कमिटी ने करवाया, ठीक है? सो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी दैट टूडे एटलीस्ट फ्रॉड करने से पहले दो बार सोचता है, समझे? तो मेन रीजन इज द कमिंग, द अपकमिंग ऑफ दिस कमिटी। एनडीए गवर्नमेंट ही लाया था मेरे ख्याल से जेजे ईरानी कमिटी। इट वॉज फॉर्म्ड बाई एनडीए गवर्नमेंट 2004 में, फोर में तो यही था ना, एनडीए गवर्नमेंट ही लाया था उस पर्टिकुलर कमेटी को फोर में। फिर 5 से 15 तो ये थे अपने, वही तो वही टाइम पे, मतलब तभी दैट वॉज वाई वाजपेयी हैड टू स्टेप डाउन बिकॉज ऑफ सम फ्रॉड कन्विक्शन ऑन हिम, कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ फ्रॉड किया, बोफोर्स वाला। बोफोर्स तो पुराना है, कोल इंडिया वाला था शायद, कोल इंडिया वाला था शायद। तो बिकॉज ऑफ सम फ्रॉड, फ्रॉड एलिज्ड फ्रॉड, प्रूव तो हुआ ही नहीं नेचुरली, ठीक है, क्योंकि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व ऑन दी, बट वो कैसा है ना, इतने बड़े बिग शॉट्स को फंसाना थोड़ा इजी होता है, वैसा। तो फंसा दिया और गवर्नमेंट को गिरा दिया उस हिसाब से। तो वो टाइम पे इस कमिटी का इनॉग्रेशन हुआ था 2004-2005 के आसपास, ठीक है? फिर इस कमिटी ने सच्ची बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत मस्त काम किया, ठीक है? मतलब ऐसे ही चलो कुछ पब्लिक को बताने के लिए सही कुछ काम करना पड़ेगा करके कमिटी बनाया था, लेकिन कमिटी काम बहुत सही करके गया, वैसा। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कमिटी या पर्टिकुलर फ्रॉड्स, मीनिंग क्या होता है ना फ्रॉड का, बोलते हैं किसी को डिसीव करना। किसी को डिसीव करना मतलब जानबूझ के उनको एक गलत पिक्चर बताना, समझे? एक गलत पिक्चर बताना, जैसे सत्यम ने किया, कंपनी है कुछ और बताया कुछ और, कंपनी करता है कुछ और बताया कुछ और, विंडो ड्रेसिंग, इन्फ्लेटेड फाइनेंशियल्स जो बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी गलत है, गेटिंग द पॉइंट? तुम्हारा स्पीक एशिया वाला जो स्कैम हुआ, चल ना अपन सिंपल लेते हैं, गवर्नेंस फ्रॉड, गवर्नमेंट फ्रॉड किसको बोलते हैं? जीएसटी फ्रॉड। तुम गवर्नमेंट के टैक्सेस को इवेड करते हो, है कि नहीं? वो भी तो फ्रॉड है, वो भी तो फ्रॉड। क्या अलग अलग टाइप के हो सकते हैं रे? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इट कैन बी फ्रॉड ऑन सप्लायर्स, इट कैन बी फ्रॉड विथ कस्टमर्स, इट कैन बी फ्रॉड विथ इन्वेस्टर्स, इट कैन बी फ्रॉड विथ गवर्नमेंट ऑल्सो। और ये जितने एग्जाम्पल्स मैं तुमको दे रहा हूं, फ्रॉड विथ दिस, फ्रॉड विथ दैट, फ्रॉड विथ दिस, फ्रॉड विथ दैट, सबके तुमको एक एक केस लॉ भी दूंगा कि क्या टाइप का फ्रॉड हुआ था और क्यों इसको अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ा गया, कौन सा फ्रॉड सबसे पेचीदा माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, समझे? पब्लिक इंटरेस्ट किधर सबसे ज्यादा हार्म होता है, ये सब चीजों को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने का, समझे? मतलब लॉजिकली सोचोगे तो जनरल नॉलेज ही है, इफ एप्लीकेबल, मतलब हुआ तो, ठीक है? तो जो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते या फिर न्यूज व्यूज नहीं देखते, जो जनरल नॉलेज से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते, ठीक है, उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो लोग नॉर्मल मार्केट से कनेक्टेड है, कि अपडेट है कि क्या होता है मार्केट में, क्या फ्रॉड होता है, किस तरह से होता है, उनको तो ये मतलब बहुत इजी लगेगा। फॉर यू व्हाट यू हैव टू डू नो, फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ दिस चैप्टर, और कुछ नहीं। मेन लैंग्वेज ही है इस चैप्टर का, वो जे जे ईरानी ने क्या बोला, ठीक है? व्हाई इज इट डिटरेंट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिसाइटफुल, डिसाइटफुल मतलब डिसीव करना किसी को, वैसा। तो वो सब कंसेप्ट्स में क्या क्या हुआ और क्या करना चाहिए, वो इधर फोकस करके देखना है। उतना अगर तुमने कर दिया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब सिंपल सा चैप्टर है वैसे, समझे? अच्छा,
हेडिंग दे दो चैप्टर का, फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इंडियन पिनल कोड. फ्रॉड एंड द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इंडियन पिनल कोड. रेडी? अच्छा लिख लिख ले. स्टडी मटेरियल के बीच में पेन वेन कुछ रख दो वो पेज पे और बंद कर दो. देखो तो जे जे ईरानी कमेटी, सेटअप बाय द गवर्नमेंट, इन 2004 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इन 2005 submitted its report, in 2005 with its recommendations. Full stop. Next point. Those recommendations received a shape. Those recommendations received a shape in the Companies Act 2013. समझा? मतलब 2004-5 में जो recommendations दिए थे, वो incorporate करना start किया company law के अंदर, और incorporate करते 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 और 5-7 साल निकल गए. फिर finally 2013 वाला जो act आया, उसमें सब कुछ recommendations जो भी थे वो इनकलकेट करके दिए गए. फुल स्टॉप. वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमिटी, वॉज दैट देर शुड बी रेड पेन deterrent penalties, deterrent, deterrent penalties. deterrent मतलब खतरनाक एकदम, कंपनी को तोड़ देना वैसा. deterrent penalties for the companies that show irresponsible behavior or conduct fraudulent activities. Full stop. It also said, next point, it also said, क्या लिखा? It also said that the provisions of the Companies Act, relating to penalties, for fraudulently inducing persons to invest money should be more stringent. Full stop. The committee also took a note of the fact. Corporate frauds involve
serious intricacies, corporate frauds involve serious intricacies, I-N-T-R-I-C-A-C-I-E-S, intricacies. Intricacies मतलब minute details जो होता है ना, वो हिंदी में यू करेक्ट पेचीदिया, ठीक है, मतलब एकदम पेचीदे points, वैसे sensitive something, very sensitive details. Serious intricacies that may not be easy. Normal pen. That may not be easy for the state level law enforcement agencies and hence as a consequence, comma, the Companies Act, the Section 11 of the Companies Act 2013, the section, 1 minute, section kaun sa bola? 211. The section 211 of the Companies Act 2013, the section 211 of the Companies Act 2013 has provided for the establishment of SFIO. SFIO. Done? Full form likh dene ka ek bar. Full form bolo pehle. Serious Fraud Investigation Office. Full stop. Next point. Fraud is distinguishable from negligence. Fraud is distinguishable from negligence from the perspective whether the act is willful or otherwise. Willful or otherwise. मतलब बताओ रे इसका? कोई एक जन बोल लेगा. समझा? Meaning समझा? तो full stop करके लिखो उसका मतलब. Fraud is certainly willful. Certainly willful. In contrast to sheer negligence. मतलब negligence जो होता है उसका उल्टा. In contrast to sheer negligence. अच्छा, अब fraud में पहले एक bifurcation अगर समझना है तो तुम्हें ये पढ़ा होगा. Question of fact, question of law. बरोबर, मतलब क्या होता है उसका? पढ़ा होगा ना, question of fact, question of law. हाँ तो मतलब बताओ ना. हाँ बोल ना. ऐसा थोड़ी होता है. क्वेश्चन ऑफ लॉ बता. अच्छा बोल. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो सुना ही होगा यार. पूछा नहीं कभी? क्या न्यू फैक्ट डिस्कवर? वो फैक्ट ही है. दैट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. न्यू फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड, सो व्हाट? दैट इज अ फैक्ट.
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैं अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ बता दो चल, तो फैक्ट अपने आप समझेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के आंसर में न्यू फैक्ट डिस्कवर्ड पॉइंट होने से वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं बन जाता। यस वो करेक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में नहीं जाते। क्यों? दो नहीं एक ही लॉ है, बोल। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी अभी तो कुछ भी घुमा मजा। तो कर नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो धोखा ही होता है। हाँ बोल, बोल रही थी ना कुछ। किसने बोला? इसने या उसने? अच्छा तू अपना बोल ना, अपना बोल, अपना बोल। जा सकते हैं, तो मैं मना क्या कर रहा हूं? जो भी इन दोनों ने बोला वो 100% सही है, मैं कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली इतना पूछ रहा हूं कि कहना क्या चाहते हो। हाँ नहीं रे, मिसिंग क्यों? मिसिंग तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं बनेगा ना, अगर प्रोविजन मिसिंग है तो। बोलो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाँ बोल, ऐसा नहीं लॉ भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है चल, लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देता हूं। बेंच है, बेंच फर्नीचर है या फिक्स्ड एसेट है? बुक में क्या लिखोगे? दोनों क्या है? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फर्नीचर डाला तुमने, बराबर। अच्छा चेयर है, फिक्स्ड एसेट है या पीएनएल आइटम है? समझ रहे? डबल माइंड हुआ, इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। तुम्हारे लिए फिक्स्ड एसेट है ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी के हिसाब से 5,000 के नीचे का कोई भी कॉस्ट है हम पीएनएल में डाल देते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं। कौन एसेट में डालेगा और हर साल डेप्रिसिएशन लोड करते रहेगा? नॉर्मल कंपनीज के अंदर 5,000 का लिमिट रखते हैं, 5,000 के नीचे का जो भी खर्चा है वो खर्चा है, एसेट नहीं है, समझे? ये फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट, तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट में ही आता है। क्वेश्चन चेंज करता हूं, फिक्स्ड एसेट है कि इन्वेंट्री है? फिक्स्ड एसेट है, मेरा फर्नीचर का दुकान है, आंसर चेंज हो गया। समझ में? मतलब खर्चा जो होता है ना, चलिए चेयर परचेस किया मैंने, चेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नेचर ऑफ एक्सपेंस के साथ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस भी देखना पड़ता है। ये चेयर क्या 500 रुपए का है, तो 500 रुपए का चेयर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बताऊं तो रेवेन्यू हुआ ना। ऐसा 100 चेयर लाया मैंने, कैपिटल हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहां पर हमने कुछ इंटरप्रेट किया, सामने वाले ने कुछ और इंटरप्रेट किया, मैं सही या तू सही पता नहीं, वो कोर्ट बताएगा, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, समझे? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जाम्पल दू, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट,
इसमें दूसरा तू मेरे को क्या लाके दोगे बोल, समझ रहे? इसमें तू मेरे को चेंज करके बता सकता है कुछ? नहीं, जो है वो है, समझ रहे? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हायर कोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हायर कोर्ट थोड़ी बोलेगा कि सन वेस्ट से उठता है, ये सब फैक्ट है वो, उसमें नया कुछ नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन ये अभी शायद हायर कोर्ट बोल सकता है कि नहीं रेवेन्यू करना चाहिए कि नहीं कैपिटल करना चाहिए, वो फैक्ट ऑफ द केस देख करके, तुम्हारी कंपनी का रेलेवेंस देख करके लॉ का इंटरप्रिटेशन शायद चेंज करे, समझे? तो उसके लिए अपन हायर कोर्ट में जाते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ में ये चीज का ध्यान, मतलब हायर कोर्ट में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, वो तो लिखा है बुक मेरे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ में तू जा सकता है, फैक्ट में नहीं जा सकता है। समझना तुमको ये कि क्यों जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। गेटिंग इट? व्हेन यू गिव एन आंसर टू दैट क्यों, तब तुमने कुछ वैल्यू एडिशन किया। बाकी तो क्या, बुक में जो लिखा था वही मेरे को बताया, वो तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, तुमने भी पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, समझ रहे? तो तुमने मेरे को नया क्या दिया? आज मैंने तुम्हारे पास से क्या सीखा? जो बुक में लिखा है वो तो मैं घर पे से पढ़ के आया, तो तुम लोग भी घर पे से पढ़ के आए थे, उसमें नया क्या है? वैसा तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का इंटरप्रिटेशन जो होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का इंटरप्रिटेशन जो होता है उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। ये क्यों बता रहा था पता है? क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में अपने को देखना है फ्रॉड ऑफ फैक्ट एंड फ्रॉड ऑफ लॉ, समझा? फ्रॉड ऑफ फैक्ट एंड फ्रॉड ऑफ लॉ मतलब फ्रॉड जो हुआ बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड फ्रॉड जो हुआ बिकॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ, गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि कई बार कैसा होता है ना, फैक्ट का फ्रॉड बताता हूं, फैक्ट का फ्रॉड, ठीक है? जैसे मैंने किया नहीं फ्रॉड, या फिर शायद किया भी हो फ्रॉड लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया फिर भी ऐसा ही माना जाएगा कि मैंने वो फ्रॉड किया है, समझा? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिमरन ने ना किसी के साथ बदतमीजी करी, किसी लड़के के साथ बदतमीजी से बात करी। अब किसी लड़के के साथ बदतमीजी से बात करे, लड़के को पसंद नहीं आया, तो पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया ना, चलते चलते किसी का ध्यान नहीं था उस हिसाब से चाकू लिया, चलते चलते इसके पेट में भोंक दिया, ठीक है? मैंने देखा तो मैं भाग के गया, सिमरन को पकड़ा और चाकू पेट से निकाला, चाकू पेट से निकाला, पुलिस ने आके देख लिया, चाकू मेरे हाथ में, ये लहू लुहान होके पड़ी है, मेरे को अरेस्ट कर लिया। बोला अरे पागल लोग, मैं बचा रहा था, लेकिन फैक्ट ऑफ द केस क्या बोलता है? समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूं, क्या नाम? वृंदा। मैंने वृंदा को बोला, वृंदा मेरी कंपनी में ना सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस करना है, तू सीएस है ना, तो करके देना। तो बोली ठीक है सर, उसमें क्या, करके दूंगी। तो मतलब फीस, बोली फीस तो क्या अभी सर, उसमें फीस क्या लेने का आपसे? बोला ऐसे नहीं यार, मैंने लेक्चर फ्री में थोड़ी दिया था, फीस जो होता है बोल सर 25,000। 25,000 फीस, ठीक है, मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे पास कभी कैश आया हुआ था तो मैंने 25,000 निकाल के उसको रोकड़ा दे दिया, उसको रोकड़ा दे दिया 25,000, और मैं चला गया अपने रास्ते, वो चली गई अपने रास्ते, कंप्लायंसेस करने करेगी वो। थोड़ी देर बाद पुलिस आई मेरे पास, मेरे को अरेस्ट किया। मिला काय को? बोले पुलिस स्टेशन चलो। बोले क्यों? लेकिन चलो फिर बताएंगे। बोला चलो, पुलिस स्टेशन गया, ये भी उधर ही बैठी थी, क्या हो गया भाई? तो पुलिस ने मेरे को बोला कि यू हैव बीन अरेस्टेड बिकॉज आपने मर्डर करवाया। मतलब मैंने कौन सा मर्डर करवाया? मतलब आपने वृंदा के पास किसी का मर्डर, मतलब कौन बोला तुमको? वृंदा ने बोला। बोले नहीं। मतलब तो सबूत है हमारे पास। मतलब सबूत क्या है? बोले हमने वृंदा को किसी का मर्डर करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है। मतलब तो मैंने करवाया, उसका सबूत क्या है? हमने उसकी तलाशी ली, पॉकेट से 25,000 रुपया रोकड़ा निकला। हमने उसको पूछा किसने दिया? बोले हर्ष ने दिया।
समझा कुछ है या नहीं, केस समझ में आया? तो मतलब समझ समझ प्रॉब्लम समझ, फैक्ट्स कुछ और है लेकिन दिखता कुछ और है, समझा? अब दिखता कुछ और है, इंटेंशन कुछ और है, बट यू विल बी कंसिडर्ड एज इफ तुमने किया है जब तक यू आर नॉट प्रूवन इनोसेंट। ऐसे केस में, नॉर्मल केस में क्या होता है, एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ठीक है, फ्रॉड में केस में अपन उल्टा सोचते हैं, जब तक इनोसेंट प्रूव नहीं होता ना तब तक फ्रॉड तू नहीं किया, समझा? क्योंकि फिर तो कुछ, क्योंकि फ्रॉड में कैसा होता है ना, फ्रॉड प्लान होके होता है। अब मैं अगर प्लान करके फ्रॉड कर रहा हूं तो बट नेचुरल मैं कोई सबूत तो छोड़ूंगा नहीं पीछे। ठीक है, तो सबूत छोड़ूंगा नहीं मतलब तुमको तो वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला है, गेटिंग द पॉइंट? तो तुमको तो वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब फ्रॉड वाले केसेस में प्रूफ मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, समझे? नेचुरली ना, फ्रॉड में इतना प्लान करके सोच समझ के, व्हाइट कॉलर फ्रॉड जगह देखे हो, इतने प्लान करके सोच समझ के होता है कि वो प्रूफ करना मुश्किल होता है कि तुम ही ने या इसी ने किया है। सो यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट्स ऑफ द केस, केस में क्या, अब प्रूव कैसे करोगे, वो चाकू मैंने ही डाला था सिमरन के पेट में, कहीं ना पॉइंट, वो तो प्रूव हो ही नहीं सकता ना। सो कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, तब तक वो खुद नहीं बोल देते कि नहीं भाई ये नहीं था, जो भी था जैसे था, कौन था क्या था, तब तक कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस वो फ्रॉड ऑफ फैक्ट माना जाएगा, मैं गिल्टी माना जाऊंगा, समझा एवरीबडी? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसी कॉन्सेप्ट को अपने को कंपनी से लिंक करना है इस चैप्टर में। कंपनी में फ्रॉड हुआ तो वो फ्रॉड ऑफ फैक्ट कैसे माना जाएगा या फ्रॉड ऑफ लॉ कैसे माना जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, 447 तो लगेगा ही क्योंकि फ्रॉड नाम आया। तो 447 ऐसे कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन पे लगता है उसका एक लिस्ट बनाना, समझ में? दिस विल बी अवर प्राइम टारगेट फॉर टूडे, मेन प्राइम टारगेट लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो जल्दी जल्दी। वो फ्रॉड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेग्लिजेंस लिखा ना, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फ्रॉड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑफ टू टाइप्स, फ्रॉड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फ्रॉड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। नेमली फ्रॉड, रेड पेन से लिखना, फ्रॉड इन फैक्ट और फ्रॉड इन लॉ, फ्रॉड इन फैक्ट और फ्रॉड इन लॉ, फ्रॉड इन फैक्ट और फ्रॉड इन लॉ, फुल स्टॉप, डन। नेक्स्ट लिखो, फ्रॉड, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड कंसिस्ट्स ऑफ सम डिसाइटफुल प्रैक्टिस, नॉर्मल पेंस, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड कंसिस्ट्स ऑफ सम डिसाइटफुल प्रैक्टिस, डिसाइटफुल DECEITFUL, डिसाइटफुल मतलब डिसीव करने का, ओके, डिसाइटफुल प्रैक्टिस और अ विलफुल डिवाइस, और अ विलफुल डिवाइस DEVICE डिवाइस रिसोर्टेड टू, अ विलफुल डिवाइस रिसोर्टेड टू कॉमा विथ एन इंटेंट टू डिप्रीव अनदर, विथ एन इंटेंट टू डिप्रीव या डिप्राइव, वॉट एवर यू से, deprive another of his rights or to do him any injury, done। मतलब क्या, मैंने किसी को डिसीव करते हुए विलफुली ऐसा कोई काम किया
जिससे मैं सामने वाले को या तो उसके राइट्स से डिप्राइव कर सकूं या तो मैं उसका कोई नुकसान कर सकूं। मतलब ये क्या कहना चाहता है, फ्रॉड जो होता है वो दो तरीकों से हो सकता है, ठीक है। कौन से तरीके फ्रॉड के, सुन क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट नहीं रही, फ्रॉड के कौन से दो तरीके, एक मैंने फ्रॉड किया, बरोबर, मैंने फ्रॉड किया मेरा फायदा हुआ, दूसरा मैंने फ्रॉड किया और उसका नुकसान हुआ, समझा, वो भी तो मेरा ही फ्रॉड है, गेटिंग द पॉइंट। तो मतलब मैं फ्रॉड करके ऊपर तक चढ़ा भी मेरा फ्रॉड, या मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया तो जो ऊपर था उसको गिराया वो भी मेरा फ्रॉड है, गेटिंग द पॉइंट। तो इसको लिखते अपन इंग्लिश में, लिखो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेग्लिजेंस, as distinguished from negligence, as distinguished from negligence, comma, fraud, fraud is always positive, fraud is always positive, fraud is always positive, positive matlab active, positive matlab active, jaise negligence is passive, मैं कुछ कर रहा था और करते करते बिजी था तो गलती से उस एरिया में देखना रह गया, गलती से वो रिपोर्ट फाइल करना रह गया, गलती से वो फिगर मैंने गलत लिख दिया, पैसिव था। फ्रॉड इज समथिंग मैंने प्लान किया, सोचा, समझा, साजिश किया एंड किया, मींस इट इज एक्टिव, समझा, क्लियर। तो एक्टिव मतलब एक्टिव, पैसिव वाला एक्टिव, वैसा कुछ तुमको लिख के रखना हो तो लिख के रख देना, तुम्हारे लिए कंफ्यूज नहीं होना बस। नेक्स्ट लिखो, The Honorable Supreme Court of India stated in the matter of Red Pen se case ka naam stated in the matter of Red Pen se case ka naam Dr. Vimla 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 versus Delhi Administration normal pen, that inverted commas mein fraud is meant as an intention to deceive, fraud is meant as an intention to deceive, as an intention to deceive, whether it may be from any advantage to the party itself, or from the ill will, or from the ill dash will towards the other, matlab advantage to party itself matlab khud ka fayda, or ill will towards another matlab dusre ka nuksan, barabar, aisa udhar chahiye to pencil se likh ke rakh dene ka, ill will towards other matlab dusre ka nuksan, full stop. Next point, as per section 17 of the ICA, Indian Contract Act, year 1872, comma, the term inverted commas mein fraud, means an act committed by a party to a contract, an act committed by a party to the contract with an intention to deceive another, with
an intention to deceive another. Full stop. Next, Ligo. The regulation 2C. Regulation 2, bracket mein, C. 2C of the SEBI, bracket mein, prohibition of fraudulent and unfair trade practices. Prohibition of fraudulent and unfair trade practices. Relating to securities market. Bracket close. Regulations, 2003. Naam samjha kya pura? SEBI, prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulations 2013 states that 2003 states that fraud includes any act, comma, expression, comma, omission or concealment committed whether in a deceitful manner or not, comma, by a person or by any other person with his connivance connivance or by his agent, while dealing in the securities, induce another person or his agent to deal in securities whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any loss. Wrongful gain or avoidance of any loss. Full stop. Done. कनिवंस पे स्टार बना के ऊपर मीनिंग लिख दो एक बार. कनिवंस को बादल में डालो, बादल पे तारा बनाओ, तारे को आसमान में लेके जाओ, उधर लिखो कनिवंस इक्वल टू विलिंगनेस टू अलाउ. अरे आसमान में लेके जाओ, अरे आसमान में. लेफ्ट में आ जाता तो मैं बोलता ना लेफ्ट में के ऊपर ही लिख दो, लेफ्ट में ऊपर नहीं आएगा इसलिए बोला आसमान में लेके जाओ. Willingness to allow or be secretly involved
in any immoral or illegal act, or be secretly involved in any immoral or illegal act. Upan bolte na to collude with someone, to cause collusion. Collusion is what? It is a synonym of connivance. Paisa. Done? Clear? Ye last jo paragraph likha na, SEBI wala. Wo ek baar read karna. Done? Samjha? Pakka? Clear ekdam? To aage bade? Chha. Ab aate hai fraud apne company law ke perspective pe. Section? Kunsa section tha? Jaldi bol. 447. Barabar. To 1956 agar dekhoge na, usme fraud pe koi itna importance nahi tha. ना ऐसा कोई अलग से सेक्शन दिया था, ठीक है, ना ऐसा कोई स्पेसिफिक बड़ा पेनल्टी वगैरह कुछ दिया था, क्योंकि तब कैसा मानते थे, सब इज्जत से ही होता है. फ्रॉड वर्ड तो क्या मतलब, गलती वलती कोई छोटा मोटा कर देगा. तो फिर जब ये बड़े बड़े स्कैम्स होना स्टार्ट हो गए, फिर लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा यार. फिर लाया 2013 के अंदर एक अलग सेक्शन पूरा, 447, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ठीक है. और उसके पहली बार फ्रॉड के अंदर क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया सेक्शन के अंदर इटसेल्फ. एज एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 447, फ्रॉड इंक्लूड्स ऐसा 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 ऐसा, समझा. तो फर्स्ट टाइम ये लाया गया. सो बट नेचुरल इट हैज बिकम एन इंटीग्रल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी, और यू कैन से इंटीग्रल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनी लॉ, समझे. एंड बिकॉज ऐसा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बरोबर. तो लिखो सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ, सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, डील्स विथ पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. Punishment for fraud. Full stop. Next point. In an explanation to section 447, in an explanation to section 447 of the Companies Act 2013, jidhar bhi section likhoge baju mein act likhne ka, of the Companies Act 2013, comma, the fraud. That, क्या लिखा बोलो वापस उसको बोलना. इन एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द टर्म फ्रॉड, द टर्म डाल दो बीच में, द टर्म इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने का फ्रॉड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने का फ्रॉड, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना वापस, हैज बीन डिफाइंड, has been defined as below,
has been defined as below. As below, colon करने का. बोलो भाई fraud में क्या-क्या आता है company law के हिसाब से. ठीक है? तो colon करके लिखो fraud. Next line में. Normal point A A B C जैसा A करके लिखो fraud. In relation to affairs of the company or a body corporate. Fraud in relation to affairs of the company or a body corporate includes includes any act or concealment of any fact or abuse of any position committed by any person or any other person with the connivance or any other person with the connivance in any manner with the intent to deceive comma to gain advantage gain advantage gain advantage मतलब gain advantage bracket में लिखो undue bracket close कर दो from comma or to injure the interests of the company, comma, its shareholders, comma, its creditors, or any other person, whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss. There is any wrongful gain or wrongful loss. Wrongful gain or wrongful loss. Full stop. पढ़ो एक कंपनीज एक्ट 2013 ये सेबी के जैसा ही बोलता है सेम अरे वो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा रीड करो डेफिनेशन तो याद रखना पड़ेगा चारों डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाला भी सेबी वाला भी कॉन्ट्रैक्ट वाला भी और उसके पहले जो मीनिंग दिया वो भी अब फ्रॉड तो फ्रॉड ही होता है ना अभी वो खाली बनाने वाला आदमी अलग था तो एक्ट बनाने वाला आदमी अलग था तो उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था उतना ही डिफरेंस रहेगा लेकिन डेफिनेशंस में लैंग्वेज सेम रखते हैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएगा वैसा डन समझा क्या पक्का सब लोग अच्छा तो उसके नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के ऑन एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑन एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ द टर्म फ्रॉड Fraud, as per the Companies Act 2013,
comma, we can interpret the following. We can interpret the following. Done? First point. First point. Definition is inclusive in nature. Definition is inclusive in nature. Inclusive in nature. Aja definition pe. Likha fraud in relation to corporate or company or body corporate includes. Includes ko kuch karo. बराबर दो टाइप का डेफिनेशन होता है एक इंक्लूसिव एक एग्जॉस्टिव बराबर मतलब एग्जॉस्टिव वाला क्या बोलता है दिस 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 मींस ऐसा 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 तो मींस ऐसा 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 एंड और भी कुछ मीन करता होगा तो एटसेट्रा समझा इंक्लूसिव के मतलब इट इंक्लूड्स एक दो तीन बस जो नहीं बोला है वो इंक्लूड होता भी नहीं है समझ में वैसा तो ये इंक्लूसिव वाला डेफिनेशन है एक तो दूसरा लिखो दूसरा देखो फ्रॉड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कंपनी कॉमा इट्स होराइजन मे एक्सपैंड अंटिल बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो इट्स होराइजन मे एक्सपैंड अंटिल बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो होराइजन होराइजन मतलब बाउंड्रीज मे एक्सपैंड अप टू बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो कंपनी को कुछ करने का बॉडी कॉर्पोरेट को कुछ करने का कंपनी को अलर्ट करो बॉडी कॉर्पोरेट को अलर्ट करो नेक्स्ट इट इंक्लूड्स ये ईट मतलब फ्रॉड इधर फ्रॉड ही है जो भी है इट इंक्लूड्स एनी एक्ट omission, concealment of facts or abuse of position. It includes any act, omission, concealment of facts or abuse of position. Next, intention is important. Intention is important. देखा इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट आ जाओ ऊपर डेफिनेशन पे वो देखा कनिवेंस इन द मैनर एनी अदर पर्सन विद द कनिवेंस इन द मैनर ठीक है उसके बाजू में देख विथ इंटेंट टू डिसीव इंटेंट को कुछ करने का इंटेंट होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट ऑफ फ्रॉड कैन बी Target of fraud can be the company, comma, its shareholders, comma, its creditors, or any other person. कितना बंट हुआ? Enough हो गया. फ्रॉड का डेफिनेशन देखे इतना कम से कम तुमको सीखने मिला ठीक है लिखने को तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं अपन कनिवंस वाले पॉइंट को डाल दे रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस को डाल दे तो जो डेफिनेशन है उसी को तोड़ तोड़ के अपन ने ये बनाया हुआ है समझा तो मेन ये पांच पॉइंट तुमको समझने मिला ये पांच पॉइंट भी अगर याद हो गया तो डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो तुम समझा दिस इज नथिंग बट अ ब्रेकअप ऑफ द डेफिनेशन क्लियर है तो फ्रॉड क्या कहना चाहता है अब अपने को समझ इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड जो अपन ने बोला वो इंटेंशन इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ठीक है जैसे मैंने तुमको बोला ये चाकू वाला केस ठीक है अब चाकू वाला केस मतलब व्हाट वाज माय इंटेंशन वो तो अभी पूछा ही नहीं किसी ने ठीक है इट वाज डिराइव्ड दैट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आई हैव द इंटेंशन टू कॉज एन इंजरी समझ में आया ना पॉइंट जैसे 9/11 का अटैक्स वो एक मूवी आया था पता है जॉन इब्राहिम वाला पुराना रे कटरीना कैफ के साथ था न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ही था ना मूवी का नाम
याद है 9/11 वाला केस के बाद, मतलब इट वॉज अ ट्रेंड ओवर देयर उस टाइम पे, जितने भी मुस्लिम्स है सबको पकड़ो, समझा, सब टेररिस्ट है। फिर जॉन को पकड़ा था, फिर बाद में पता चला अरे ये तो कुछ नहीं था, फिर छोड़ दिया, गेटिंग द पॉइंट। तो व्हाट वाज द इंटेंट, अब वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर है, मतलब फ्रॉड ऑफ फैक्ट अगर है, तो इंटेंट मेरा नेग्लिजिबल हो जाता है, इट इज डीम्ड कि इंटेंशन तो था ही, ठीक है। उस टाइम पे उन लोग मुस्लिम है, न्यूयॉर्क से निकल के बाहर जा रहा है, मतलब भाग रहा है, उसको एयरपोर्ट पे तो पकड़ा था जॉन को, ही वॉज गोइंग फॉर सम ऑफिशियल मीटिंग आउटसाइड, तो एयरपोर्ट पे पकड़ा, पासपोर्ट पे देख गया नाम मुस्लिम है, ठीक है, और न्यूयॉर्क छोड़ के जा रहा है, मतलब भाग रहा है, भाग रहा है मतलब पकड़ लिया, पकड़ लिया मतलब खत्म। बट पर्पस वॉज समथिंग एल्स नो, द इंटेंट बिहाइंड दैट इज नॉट कंस्ट्रूड, इट इज अज्यूम्ड, गेट इन अ पॉइंट, समझा। तो वैसा सीन होता है, समझे। तो अब इंटेंशन ऑफ द फ्रॉड का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो अपने को नेक्स्ट पार्ट में देखना है।